ये इसके बीच में लगता है ऐसे। हाँ ये मतलब आप लगा के बताओगे? ऐसे ऐसे लगाने के बाद में इसको ऐसे गोल करना पड़ता है। इसको केसर पिस्ता राजभोग बोल, ये केसर पिस्ता राजभोग रसगुल्ला। ये देखिए तो इसकी मतलब एक की कितनी प्राइस, कितनी रेट बता रहे थे आप? एक का नीचे से नीचे 25 रुपये रेट, 25 रुपये अनुसार। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है हरी सिंह और आप देख रहे हैं हरी के ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। ये अभी जो आप बना रहे हैं ये क्या है? ये गाय के दूध का छेना है। गाय के दूध का छेना, फाड़ भी बता दूँ। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये दूध गर्म हो रहा है नीचे, मतलब प्रेशर से भट्टी लगी है ये नीचे। हाँ, हाँ। तो इससे ये गर्म हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, रसगुल्ला कैसे बनता है आपको पूरी प्रोसेस बताते हैं। ये दूध देखिए इधर, ये गर्म हो रहा है इसमें, ये देखिए ये दूध गर्म हो गया। अच्छा जी, और ये दूध गर्म होने के बाद में यहाँ निकालना पड़ता है, ये निकलता है ये इधर दूध निकाल देंगे गर्म दूध। और ये देखिए बाल्टी इन्होंने भर ली है गर्म दूध की, और फिर ये यहाँ से उठाएंगे इसमें डाल देंगे। देखिए अब इसका छेना बन जाएगा। ये क्या डाल रहे हो इसमें? ये ठंडा करने के लिए पानी, ठंडा करने के लिए इसमें पानी। ये दूध फाड़ने के लिए इसी दूध का खट्टा पानी, इसी दूध का जो कल का मतलब खट्टा पानी, कल का पानी आज ही जा जाना। अच्छा आज इसमें डाल देंगे। ये देखिए अब ये इसमें छेना फाट गया है। ये देखिए दोस्तों, ये छेना फाट गया। अब ये मतलब गाय का जो दूध था गर्म, ये फट गया है और जैसे बिल्कुल नरम मावा होता है ना वैसा ये बन गया। अब जैसे इसको उठा के पहले का डाला हुआ है, देखिए ऐसे डाल देंगे, ये पानी छन जाएगा और ये छीना तैयार हो गया। ये छीना देखिए, अब ये जो छीना है ठंडा कर लिया है इन्होंने, निचोड़ रहे हैं। ये दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑल पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए दोस्तों, ये अब ये छीना जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसको अच्छे से मलेंगे, मिक्स करेंगे। इसमें केसर और पिस्ते का मसाला लगता है। इलायची क्या बना रहे हो? ये राजभोग। अच्छा अच्छा ये राजभोग बन रहा है। हाँ ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का। तो इसमें छेने में आपने क्या क्या डाला है इसमें? इसमें अभी इलायची डाल दिया, पिस्ता डाल दिया, केसर डाल दिया। अच्छा अच्छा ये देखिए इसमें पिस्ता कटिंग है। ये देखिए हाँ। और कुछ नहीं। और ये क्या है? ये जावत्री है। ये जावत्री भी डालते हो क्या? हाँ। और ये केसर डालते हैं। ये केसर, ये देखिए ये केसर भी डालते हैं, बढ़िया वाली केसर। ये राजभोग है तो इसको बहुत सेफ्टी से बनाना पड़ता है, बहुत सेफ्टी से बनाना पड़ता है। हाँ। ये राजभोग जो आप बना रहे हैं ना ये, तो ये इसके बीच में लगता है ऐसे। हाँ ये मतलब आप लगा के बताओगे? ऐसे ऐसे लगाने के बाद में इसको ऐसे गोल करना पड़ता है। इसको केसर पिस्ता राजभोग बोल, ये केसर पिस्ता राजभोग रसगुल्ला। ये देखिए तो इसकी मतलब एक की कितनी प्राइस, कितनी रेट बता रहे थे आप? एक का नीचे से नीचे 25 रुपये रेट, 25 रुपये अनुसार। अच्छा, और एक एक रसगुल्ले की इसकी कीमत है 25 रुपये के लगभग। एक पीस होगा ये 120 ग्राम का, 120 ग्राम और इसकी 25 रुपये के लगभग रेट है इसकी। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों राजभोग, इसमें महंगी चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए हाँ, इसके अंदर मेवा लगता है, बीज मेवा लगता है। हाँ तो ये तो चीज़ भी कॉस्टली है, कॉस्टली कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें माल यहाँ बनाने में अपन कलर में बना लो, बिगर कलर का बना लो। हाँ, हाँ। ऐसे अब एक लंबी हो मलाई चाप चमचम बोलते हैं उसको, ऐसे चमचम बन जाती है। हाँ, अलग अलग बन जाती है, मतलब छेना यही होता है। छेना यही होता है, लेकिन इसके अंदर आप हजारों आइटम बनवा लो, हजारों आइटम। इसको बोलते हैं बंगाली आइटम बनवा लो, पूरा बंगाली आइटम इसी चीज का बनता है, इसी चीज का। हाँ चलो, ये हो गया साहब आपके गोली रसगुल्ले की। ये गोली हो गई रसगुल्ले की। अब ये भट्टी में जाके पकेंगे। ले रहे भाई, अब ये देखिए ये भट्टी में जाएंगे दोस्तों, इसका चालू करेंगे प्रेशर के लिए। अच्छा,
ये देखिए दोस्तों, इन्होंने ये डाल दिया है इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये जो रसगुल्ले डाले थे उबलने लगे हैं, और ये देखिए ये झाग जो हैं उतार रहे हैं। अभी इसमें कितना टाइम लगेगा उबलने में? 20 मिनट में तैयार हो जाएंगे। हाँ, ये देखिए ये तैयार होकर भी रखे हैं चाशनी के अंदर। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं गाय का दूध दिखाया मैंने, कैसे उन्होंने फ्रिज में रखा हुआ था, और जो ये फिर यहाँ के उबालते हैं वो भी दिखाया, इधर ये बाल्टी में रखते हैं वो भी दिखाया, इधर छेना कैसे बनाते हैं वो भी दिखाया, और उधर वो जो गोली बना रहे हैं छेने की वो भी मैंने आपको दिखाया, और इधर ये रसगुल्ला डाल के और जो पका रहे हैं पक रहा है ये भी मैंने दिखाया, और ये इधर ये तैयार हो गए। देखिए ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, पक रहा है रसगुल्ला और करीब करीब कंप्लीट हो गया है। इसमें पानी पानी क्यों डाल रहे हो? तो ये गोली गोली रह जाएंगे, मुचेंगे नहीं। मुचेंगे नहीं, मतलब साइज बराबर रह जाएगी, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, मतलब वो ये प्रोसेस है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको धीरे धीरे पानी डालेंगे ये, तो ये उबाल आना बंद हो जाएगा धीरे धीरे, और इनकी साइज जो है बरकरार रह जाएगी ऐसे की ऐसे। ये देखिए, अब ये हिला देंगे, ये देखिए ये बीच में से रसगुल्ले निकालना है। ये देखिए दोस्तों, रसगुल्ला तैयार। तो ऐसे बनता है रसगुल्ला। इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। अच्छा, अब इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग मतलब अपने घर बैठ के और बनावटी वीडियो बनाते हैं, यानी मैंने जैसे आपको प्रोसेस दिखाया इसमें से थोड़ा सा चुरा लिया, 5-7-10 सेकंड का मेरे से चुराएंगे, इतना किसी दूसरे से चुराएंगे, और आपको बनावटी एक वीडियो दिखा देंगे, उसमें थोड़ा सा म्यूजिक डाल देंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप उसको लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे। लेकिन मैं तो आपको यथास्थिति मतलब वहाँ जाके और पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। मैंने 400 प्लस वीडियो डाल दिए हैं, तो एक भी मेरा वीडियो बनावटी नहीं है, इसलिए आप जैसे यार दोस्तों का, भाई बहनों का मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। तो इस वीडियो पे भी आप अपना सपोर्ट दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया रसगुल्ला कैसे बनता है, राजभोग कैसे बनता है। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।